मेहरबानो, हाउ डू यू डील विद प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स इन द टेलीविजन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? बिकॉज ये बहुत प्रिवेल करता है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी प्रिवेल करती है, कास्टिंग काउच भी प्रिवेल करता है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट. अभी तक आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, वो ये कहते हैं कि है, हमारे साथ कभी नहीं हुआ. बट यू यू आर समबडी हु इज एक्चुअली एडमिटेड कि हुआ है, यू हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि हुआ है. आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ योर ओल्डर इंटरव्यूज एंड यू डिडंट नेम योर ऑब्वियसली एनीबडी, बट यू डिड से कि ये होता है. इज इट गेटिंग बेटर और इज इट गेटिंग वर्स? इज देयर एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन सेट नाउ कि अगर आप हरास हो रहे हो, इज देयर समबडी टू गो टू कि आप अनोनिमिटी के एक सेफ्टी के अंदर आप कर सको कंप्लेन, या ऐसा कोई नहीं है कल्चर? ऐसा कोई कल्चर नहीं है. नहीं है. नहीं, अगर ऐसा कल्चर होता तो फिर ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ और वर्क प्लेस हरासमेंट का कल्चर है, दैट यू नो वुड हैव द अदर काइंड ऑफ कल्चर वुड हैव काउंटर्ड दिस कल्चर, यू नो. बट द फैक्ट दैट दिस इज़ बीइंग केप्ट सो हश हश एंड इट इज़न्ट टॉक्ड अबाउट एवर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और ये होता तब है जब यू नो विमेन कैन नॉट स्पीक फॉर Yeah. देम सेल्व बिकॉज दे फील लाइक यू नो देर जॉब और देर लाइवलीहुड माइट बी थ्रेटन. And इट इज it does ट्रू, get इट इज ट्रू, threatened. एंड आई हैव सीन दिस हैपन टू सो मेनी अदर वुमेन बिकॉज आई एम अ परसेप्टिव पर्सन एंड आई हैव बिन ऑन सेट सिंस आई वॉज वेरी यंग. एंड इफ आई से सो माई सेल्फ, आई इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट दैट आई वॉज इवन बींग हरेस्ड एट वर्क प्लेस, यू नो, बिकॉज आपको नहीं समझ आता है, स्पेशली वेन यू आर सो यंग एंड यू आर थ्रोन इन टू दिस. एंड विद मी आई वॉज वेरी वेरी प्रोटेक्टेड बिकॉज आई हैड सरमद एंड ही इज़ लाइक माई मेंटोर एंड ही इज़ राइट. ऑलवेज देयर फॉर मी. बट एज आई ग्रू ओल्डर कुछ रिकरिंग चीज़ें होती थी दैट आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड, एंड दे डोंट रियली हैव टू बी फिजिकली हाँ हाँ फिजिकल हरासमेंट, माइंड यू. हाँ हरासमेंट कैन बी एनी थिंग इफ इट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल. इट कैन बिल्कुल. बी समथिंग दैट समवन सेज. The only onus here is that the person who is harassing you needs to be at a higher position हाँ than you. या हायरार्की में उनको ऊपर होना पड़ता है, तभी एक पावर डायनेमिक बनता है जिसके अंदर एक इंसान कमज़ोर होता है, एक इंसान ताकतवर होता है. और जो ताकतवर इंसान है, अगर एक इंसान को हरास करता है, तो जो कमज़ोर इंसान होता है उसको चुप करना होता है, क्योंकि उसको लगता है जैसे उसकी जॉब थ्रेटन हो रही है या उसका लाइवलीहुड थ्रेटन हो रहा है या उसकी बात कोई मानेगा नहीं या बिकॉज इट्स ओके, ये दिस होता पर. है. हाँ, ये होता है. एंड बिकॉज यू नो इट्स इट हैपन्स इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, नो वन बैट्स एन आईलिड, और लोग देखी अनदेखी कर देते हैं. सो इट्स ऑलवेज दीज आर वेरी ट्रिकी वाटर्स टू ट्रेड विद, यू नो. यू कॉन्ट एक्सपेक्ट एनी वन टू स्टैंड अप फॉर यू. आई विल से हाउएवर दैट वन ऑफ माई फर्स्ट केसेस वेर आई हैड टू एक्सपीरियंस हरासमेंट, सबा कमर एक्चुअली केम टू माई रेस्क्यू. शी एक्चुअली एक माइक वाला था. सो लाइक आप यू कैन गेट हरास्ड एट एनी टाइम बाई एनी वन, स्पेशली वन यू डोंट नो वट्स गोइंग ऑन एंड यू आर जस्ट अ चाइल्ड. यू नो शी एक्चुअली आई टोल्ड हर बिकॉज आई डेंट नो वट वॉज गोइंग ऑन एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज एंड शी जस्ट वेंट ऑन सेट एंड शी had him kicked out. And I think that's the only time I remember like someone, a woman taking a stand for you. taking a such a strong stand for me, हाँ. कि मुझे लगा कि आई शुड बी मोर अवेयर नाउ ऑफ वट हैपन्स टू मी एंड वट हैपन्स टू अदर गर्ल्स, सो अदर आई कैन ऑल्सो गर्ल्स. स्टैंड अप फॉर देम. एग्जैक्टली. बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज ईजी सेड, नो. यू नो, हाँ. ईजियर सेड देन डन. ऑफ कोर्स I think that to counter this, we need to really just start coming out. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि I come out with whoever harassed me. But again, I will say that I am one of the luckier ones, and I haven't. मेरे साथ इतना कुछ बुरा नहीं हुआ. But मैं आपका उस दिन एक और इंटरव्यू देख रही थी विद फरियाल, एंड नो वन्स लाइक come on to me this strong, like the way she was telling you, and I feel so horrible that this
had to happen to her and she had to go through all of this. And no one should be able... Nobody should have to go through it. No one should have to go through this, especially if, you know... especially agar aapka livelihood is cheez ke upar depend kar raha hai. Lekin agar kisi ke saath hota hai, toh phir I think that there should be measures that you can take to counter it, and there should be like someone helping you. But like, of course, right now we're far from this. Lekin mujhe lagta hai jaise ye hota rahega. Koi sisterhood hai industry mein? Is there camaraderie amongst young actors or young and older actors, female actors, ke share kar sake ek dusre ke saath ya ek dusre ko warn kar sake? Because aapki baaton se mujhe lag raha hai ki wo mic wala tha jisne harass kiya tha, to aisa nahi hai ki sirf senior actors ya producers ya people in the position of power, they are misusing their power. Ye to I think men are misusing their masculinity basically. Aisa hi hai na? Ye nahi hai, zaruri nahi hai ki koi kisi level pe ho to wo kare. हाँ. तो कोई है कोई कोड ऑफ सिस्टरहुड अमंगस्ट एक्टर्स कि यार यू न्यू ऑन द सेट, यार ऐसा हो तो तुम मेरे पास आना, आई विल टेक केयर ऑफ यू. समटाइम्स ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग दे आर लुकिंग आउट फॉर यू एंड दे विल लाइक विद शर्मा, आई थिंक हिज सेट इज अमेजिंग एंड आई कैन ऑलवेज गो टू हिम एंड देयर आर सम गर्ल्स लाइक Ushna Shah and you know a few other actresses jo ke bahut, you know, they're very very nice and you can always go to them and share anything with them. But I think that sabko apni apni badi hoti hai and everyone wants to sort of ignore this and keep going ahead, so you know their career is unhindered aur unke kaam ko koi fark na pade aur unko koi कास्ट करना बंद ना हो जाए. तो यू नो दीज आर वेरी रियल फियर्स दैट कीप एक्टर्स अप एट नाइट. बिल्कुल, बिकॉज़ यू नो यू माइट हैव एवरीथिंग राइट नाउ बट द नेक्स्ट डे एवरीथिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू. या या, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन थिंग दैट यू सेड. हां, एब्सोल्युटली. आई बेट दैट द चुड़ैल सेट वाज अ कंप्लीट सेफ जोन. ऑफ कोर्स, है ना? आई मीन, लेट्स टॉक अबाउट lighter and yet heavier stuff. Chudails ka set, I mean, how amazing was that? And you were the youngest of the four Chudails and yet I think one of the most prominent. And Zubaida with her boxing, love for boxing and completely kick-ass girl. How happy were you to get that role? I was ecstatic. I can't even explain to Isn't that like made for you? Like, yeah. I read the character and I was like... That's me. I don't even have to do anything. Huh. And funnily enough, before I'd been cast, and there were some other girls reading for the character, I'm sure. Someone told Asim, I think it was Moazmi who told Asim that, oh, this is Meher. Yeah. This is Meher Bano. Ye toh yehi hai. Isi se karana hai aapne. And then he auditioned me and next day, he was like, yeah. I knew it was kuch aapko pata hota kabhi kabhar ki kaun sa character aapke liye hai, but it was an absolute privilege to get to do that character and I can't imagine anyone else doing it. Did it spoil you for choice up after that? It did. Huh. It did. I think that for me to go back to television with the same fervor is kind of hard. Hard, yeah. Yeah, because I think that इतना, यू नो, टू डू कैरेक्टर्स जिसके अंदर आप अच्छे भी हो बुरे भी हो, और इट डजंट मैटर बिकॉज यू नो यू कैन बी व्हाटएवर बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूमंस आर. सो आई एम एसेंशियली व्हाट आई वाज डूइंग विद चुड़ैल्स वाज फुलफिलिंग माय ड्रीम ऑफ यू नो जस्ट बीइंग रिप्रेजेंटेड. सो इट वाजंट जस्ट मी, आई वाज सो ग्लैड टू बी सराउंडेड by characters that were really really strong women, really really strong women, who the kind of women that I've seen and the kind of women I'd love to see around me. Or it was just a dream come true for me. And but I would say that since then I have been getting characters jo ke isi thought ko aage leke chal rahe hain. I was going to ask you, has that helped you get better characters that you relate to more? It has.
the next project that I've done. I can't reveal what it is, but it's something I was super excited about. And television or web? It's for web. For web. Yeah.